औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन बाय द श्योर मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एज़ यू नो, वी आर डिस्कसिंग 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर द मुगल कोर्ट। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हुमायूं, बाबर। To continue this topic, today we are going to discuss Jahangir. Jahangir was the eldest son of Akbar. His real name was Muhammad Salim. He ruled from 1605 to 1627. The most important event of his reign was his marriage with Noor Jahan. His real name was Mehrul Nisa. जैसे कि हम जानते हैं, जो जहांगीर था वो अकबर का बड़ा बेटा था। असली नाम उसका मोहम्मद सलीम था। उसने मुगल एम्पायर में 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रूल किया। तो एक बड़ा ही कारनामा जो उसने अंजाम दिया वो है टू मैरिज विद हिज नूर जहाँ। रियल नेम वाज मेहरुल निसा। मेहरुल निसा जो थी शी वाज अ ग्रेट रूल इन मुगल पॉलिटिक्स में। उसको बहुत बड़ा दखल अंदाज था मुगल पॉलिटिक्स में। जिसके बाद क्या होता है, हिज एल्डेस्ट जो जहांगीर होता है उसका जो बड़ा बेटा है उसका नाम था खुसरो। वो अपने वालिद के खिलाफ बगावत करता है, रिवोल्ट पर उतर आता है, तो इस का खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। उसके जो वालिद जहांगीर थे उन्होंने उसको कैद करके रख दिया। लेटर ऑन ही वॉज किल्ड इन 1615। जहांगीर फोर्स्ड राणा अमर सिंह को जहांगीर फोर्स करता है। जो राणा अमर सिंह होता है वो मेवर जो इलाका है वहाँ का किंग होता है, तो एक ट्रीटी पर साइन के लिए उसे फोर्स करता है। ड्यूरिंग हिज रीजन मुगल एम्पायर लॉस्ट। लेकिन एक बदकस्मती की बात है, जहांगीर के रीजन में, जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुगल एम्पायर को कंधार खोना पड़ता है 1622 में। इट गेव ए डेथ ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो बोलबाला थी वो कहीं ना कहीं हमें नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। यानी वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है, यानी आप कमज़ोर दिखाई दे रही है आफ्टर लॉस्ट ऑफ कंधार 1622 में। इसके अलावा अगर जहांगीर की बात करें तो उससे काफ़ी दिलचस्पी थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। वॉज अ लवर ऑफ आर्ट। देर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग इन हिज रूल। जब उसकी दूरी हुकूमत थी, जब इसकी हुकूमत थी, जब वो शहनशाह था, जब वो बादशाह थे, आर्ट और आर्किटेक्चर को काफ़ी तकवियत मिली, काफ़ी फ़ायदा हुआ। यानी उसने आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। इसके अलावा जहांगीर वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं जहांगीर। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी है, उसका नाम है इनटाइटल्ड तुज़की जहांगीरी। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ए फेमस हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं, देर इज मच इन हिज करेक्टर दैट डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड, बट देर इज अ ग्रेट डील दैट इनटाइटल्स हिम टू बी प्लेस्ड एमंग द फैशनेबल।